कमलनाथ ने अपने पैर पर ही मार ली कुल्हाड़ी, सपा को दे दिया बोलने का मौका। जिसका इंडिया ने किया बहिष्कार, उसके साथ नजर आए कमलनाथ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 ने कांग्रेस और सपा के बीच लकीर खींच दी है। शीट शेयरिंग पर बात न बनने के बाद से सपा कांग्रेस पर बैकफायर है और उसका घेराव करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। सपा कभी कांग्रेस को धोखेबाज बता रही है तो कभी कहती दिख रही है कि कांग्रेस ईमानदार नहीं है। इस तल्ख बयानबाजी के बीच एमपी के पूर्व सीएम और कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ से एक ऐसी चूक हो गई है जिसे सपा ने लपक लिया है। अब कमलनाथ से गलती क्या हुई है, उसके लिए हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। आपको याद है इंडिया अलायंस की वो बैठक जिसमें कुछ चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट तैयार की गई थी, जिन्हें बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया गया था। इंडिया गठबंधन ने 10 चैनल्स के 14 एंकर्स को बहिष्कार करने का निर्णय लिया था, लेकिन बहिष्कार किए गए इन 14 एंकर्स में से एक के साथ कमलनाथ की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिनके साथ वो एमपी में चुनाव प्रचार के दौरान दिखे और उनको इंटरव्यू भी दे रहे हैं। अब कमलनाथ की इसी तस्वीर ने सपा को कांग्रेस का घेराव करने का मौका दे दिया है। जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर दो तस्वीरें शेयर की और कांग्रेस पर तंज कसा। एक तस्वीर उन 14 पत्रकारों की थी जिन्हें बहिष्कार करने का फैसला किया गया था और दूसरी तस्वीर हाल ही में कमलनाथ की बहिष्कार किए गए पत्रकार के साथ की है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए सपा ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने अपने इस ट्वीट में लिखा है कि इंडिया अलायंस की मीटिंग में सर्वसहमति से तय हुआ था कि कुछ पत्रकार जो भाजपा के एजेंडे पर डिबेट्स करते हैं, उनके किसी कार्यक्रम में अलायंस में शामिल दलों के प्रतिनिधि नहीं जाएंगे और न ही उन्हें बुलाएंगे। अब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री तथा मध्य प्रदेश कांग्रेस के सर्वे सर्वा कमलनाथ जी इंडिया अलायंस द्वारा बहिष्कृत पत्रकार को लेकर अपने साथ चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं। कांग्रेस पार्टी खुद इंडिया अलायंस के साथी दलों के साथ ईमानदार नहीं है और कांग्रेस खुद भाजपा के एजेंडे पर काम कर रही है। आपको बता दें कि करीब 2 महीने पहले कांग्रेस ने इन पत्रकारों का बहिष्कार करते हुए अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से ट्वीट भी किया था और लिखा था कि हर रोज शाम 5 बजे कुछ टीवी चैनल्स पर नफरत का एक बाजार सजाया जाता है। ऐसे में इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि हम नफरत के बाजार में ग्राहक बनकर नहीं जाएंगे। हमारा उद्देश्य है नफरत मुक्त भारत। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। अब जब कमलनाथ उन्हीं बहिष्कार किए गए पत्रकार के साथ दिखे तो सपा ने मौका मिलते ही कांग्रेस के चरित्र पर ही सवाल उठा दिए और ये तक कह दिया कि वो गठबंधन के प्रति ईमानदार नहीं है। सपा के मुखिया भी लगातार कांग्रेस पर धोखेबाजी का आरोप लगा रहे हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। गौरतलब है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तल्ख हो गई है और इसकी आंच अब इंडिया अलायंस तक जा पहुंची है। अब देखना होगा कि 2024 के चुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच बढ़ती जा रही ये दूरियां किसको नुकसान और किसके लिए फायदेमंद रहेगी।